वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ओब्लेक। तो गाइस आज की वीडियो में हम ओब्लेक बनाने भी वाले हैं और ओब्लेक देखने भी वाले हैं कि वो ओब्लेक होता क्या है। और ओब्लेक आपने कुछ नाम नया नया सा सुना होगा, तो आज हम जल्दी से बनाते हैं और जल्दी से दिखाते हैं आपको कि क्या होता है ओब्लेक। तो गाइस ओब्लेक बनाने के लिए सबसे आसान तरीका तो यही होता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पर जो ओब्लेक होता है वो आलू के अंदर भी होता है, मतलब जो पटेटो होता है हमारे पास उसके अंदर भी होता है। पटेटो स्टार्च आपने देखा होगा वो भी होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे कभी। तो उसका जो प्रोसेस होता है ओब्लेक निकालने का पटेटो में से, वो थोड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो आज हम ईजी वे से ओब्लेक बनाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। वो पटेटो वाला हम बाद में किसी और वीडियो में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है कॉर्न स्टार्च आप देख सकते हो कुछ ऐसा होता है, पाउडर सा होता है ये कॉर्न स्टार्च। और हम लेने वाले हैं पानी, ये पानी देख सकते हो, इस ग्लास में पानी है और मतलब नॉर्मल वाटर है, ना गर्म है ना ठंडा है। तो उसके बाद अभी आप देख सकते हो ये कॉर्न स्टार्च के अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो ये जो ओब्लेक होता है ये ना तो लिक्विड होता है ना तो सॉलिड होता है। तो ये मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ, उसको मिक्स कर रहा हूँ। तो जल्दी से इसको मिक्स कर लेते हैं और हमारा इसको हम मैजिकल लिक्विड भी कह सकते हैं और मतलब बहुत कुछ कह सकते हैं इसे। तो इसको मिक्स करना भी थोड़ा मुश्किल है, मतलब मिक्स हो जाता है पर थोड़ा सा मुश्किल है इसको मिक्स करना। मम्मी अभी मैं आपको बता दूंगा क्यों। तो ये मिक्स हो चुका है। तो गाइस अभी जो है हमारा ये मैजिकल लिक्विड जो है ओब्लेक है वो हमारा जो है मिक्स हो चुका है और बन चुका है। तो मैं इसको जो है साइड में रख देता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ ये होता क्या है बेसिकली। तो देख सकते हो आप, ये होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, मतलब इसको हम ओब्लेक भी बोल सकते हैं, मैजिकल लिक्विड भी बोल सकते हैं और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड भी बोल सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप इसको देख के कह रहे होगे कि ये मतलब इसमें क्या मैजिक है, इसमें तो लिक्विड है, ये तो मतलब नॉर्मली लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। देख सकते हो आप, जैसे नॉर्मल लिक्विड होता है आप सोच रहे हो कि वैसे बिहेव कर रहा है। पर गाइस अभी मैजिक तो इसमें अब आएगा। अभी मैंने इसमें कुछ मिक्स नहीं कराया और मैं वीडियो को जो है कट भी नहीं करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो ये जो हमारा लिक्विड बन चुका है कैसा दिख रहा है, आप देख लो। तो अब मैं इसका सारा मैजिक बताता हूँ आपको। तो गाइस ये इसको मैजिकल लिक्विड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब तक हम इस पर फोर्स लगाते रहेंगे या फिर जब तक इसको हम दबाते रहेंगे या जब तक इसको मारते रहेंगे तब तक ये जो है सॉलिड। अभी आप देख सकते हो ये जो है मेरा हाथ है तो थोड़ा जो है थोड़ा गंदा हो गया, तो ये मिक्स कर रहा था तब जो है गंदा हो गया था, ये उसको इग्नोर करना। तो अभी जो है ये आप अपना देख सकते हो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, अभी भी लिक्विड जैसा बिहेव कर रहा है आप देख सकते हो। अभी भी आप बोल रहे हो इसमें है क्या ऐसा, तो अभी आप मेरा हाथ देख सकते हो, अगर मैं नॉर्मल लिक्विड के अंदर डालूंगा तो हाथ इसी की तरह अंदर चला जाएगा, मतलब जैसे इसमें चला गया वैसे ही नॉर्मल चला जाएगा और जैसे इसमें से बाहर आ गया वैसे ही आ जाएगा। देख सकते हो नॉर्मल लिक्विड होता है ये। अगर मैं इस पर तेज मारूँगा देख सकते हो आप, मेरी उंगली अंदर जा नहीं रही है, मैं इस पर तेज तेज मार रहा हूँ तो मेरी उंगली अंदर जा नहीं रही है अब देख सकते हो आप। और अगर मैं इस पर आराम से रखूँगा तो उंगली अंदर चली जाएगी मेरी। तो गाइस इसको कहते हैं हम ओब्लेक, और ओब्लेक जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब खेलने के लिए तो नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। तो अभी आप देख सकते हो आप ये ओब्लेक है और इसको अगर मैं हाथ में लेता हूँ ऐसे तो मतलब ये मेरे को कुछ करने भी नहीं देता, इसलिए इसको जो है मिक्स करना भी थोड़ा मुश्किल था। ऐसे देख सकते हो आप, ये सॉलिड लिक्विड दोनों है देख सकते हो, जब तक मतलब इस पर फोर्स लगता रहेगा तब तक ये सॉलिड रहेगा नहीं तो लिक्विड बन के गिर जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये मैंने इसको जो है अपने हाथ में ले लिया, देख सकते हो ये हाथ में ले लिया और जब तक मैं इसको दबाता रहूँगा तब तक ये सॉलिड रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो, और जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये लिक्विड बन के नीचे गिर जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये तो ऐसा मतलब कोई लिक्विड होता ही नहीं है, तो आप देख लेना इसको बना के ऐसा ही होगा ये लिक्विड, मैंने कोई भी इसमें कट नहीं कराया या ये और कुछ नहीं है, सिर्फ वो मैंने जो है कॉर्न स्टार्च है उसको ही पानी में डाल के जो है ऐसा बना रखा है देख सकते हो आप।
ये इसको जो है जितना मर्जी अगर मारते रहोगे मतलब या फिर इसको फोर्स लगाते रहोगे टाइट 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 तब तक ये आपको कुछ नहीं करने देगा, ये सॉलिड तक जैसे सॉलिड होता है वैसे ही जमा रहेगा। और अगर आप इस पर हल्का सा हाथ रखोगे या फिर कुछ भी करोगे धीरे धीरे तो ये कुछ नहीं मतलब लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर इसके साथ प्यार से कुछ भी कर लो मतलब आराम आराम से कुछ भी कर लो, अगर जैसे ही इस पर हल्का सा फोर्स लगाओगे या तेज़ी लगाओगे तो ये कुछ नहीं करने देगा अपने अंदर। तो अभी आप देख सकते हो ये मन जो हाथ है मेरा, इसको अगर मैं आराम आराम से अंदर डालूंगा तो ये अंदर डूब जाएगा जैसा कि नॉर्मल लिक्विड में हाथ डूबता है। और अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये नॉर्मली बाहर निकल जाएगा मेरा हाथ। और अगर मैं तेज की डालूंगा तो ये अंदर जाएगा ही नहीं मेरा हाथ, देख सकते हो आप ये अंदर मेरा हाथ जा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसके अंदर हाथ डाल दूँ तो ये चला जाएगा। अब मैं एकदम फोर्स से निकालता हूँ हाथ को अपना, तो देखते ये निकालने देता है नहीं निकालता फोर्स से, तो ये देख सकते हो आप मतलब मैंने पकड़ नहीं रखी है, मैं अपनी सारी उंगली इसके अंदर रख देता हूँ। ये देख सकते हो मेरी पाँचों की पाँचों उंगली इसके अंदर है, देख सकते हो आप। और अभी मैं इसको उठाता हूँ और कुछ नहीं चिपका हुआ मेरे हाथ से, मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कुछ नहीं चिपका हुआ मेरे हाथ से, कोई ग्लू नहीं है ये, कुछ नहीं है। आप इसको ग्लू समझ रहे हो, ग्लू नहीं है ये। अभी मैं इसको अंदर हाथ डाल दिया, आप देख सकते हो पाँचों उंगली अंदर है, कोई भी बाहर नहीं है जिसने कटोरी पकड़ रखी हो। और अभी मैं निकालूंगा नहीं निकलेगा, मतलब कटोरी को ही उठा लिया इसने पूरे, देख सकते हो आप। और अगर मैं इसमें से आराम से निकालूंगा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं इसको हाथ में पकड़ना चाहूँ तो मेरे को हमेशा अपना टाइट मतलब जो हाथ है इसको दबाते रहना होगा, नहीं तो ये पानी की तरह नीचे बह जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे ही इस पर फोर्स लगाओगे तो ये सॉलिड, और फोर्स नहीं लगाते रेस्ट पोजीशन में चला जाता है तो लिक्विड, देख सकते हो ये देख सकते हो आप। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और, तो अभी मैं ये लड्डू सा बना रहा हूँ उसका। और अभी आप देख सकते हो ये जो है सॉलिड है, सॉलिड और ये भी लिक्विड, मतलब ये इतनी जल्दी लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होता है कि सिर्फ इसको हम फील कर सकते हैं। अगर मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ तो आप समझ रहे होगे कि ये क्या कर रहा है। तो अभी मैं आपको ना इस पे एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी टेबल पे, तो ये देख सकते हो आप ये मैंने अब इस पे घेरा ये सॉलिड। अब खुद देखो कि मैं सॉलिड मतलब जो ये है इसको स्लो मोशन में करके भी डाल दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं इसको एकदम से घेरूंगा, मतलब ये तो अभी अब देखो ये मैंने एकदम से घेरा, पहले तो ये लिक्विड सॉलिड था मतलब, उसके बाद ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हो आप। तो अभी मैं इसको सारा घेर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये जो लिक्विड है सेमी सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड है, ये देख सकते हो आप मेरी जो उंगली है मैं इसके ऊपर जो है, जैसे आपने देखा होगा हम पानी के ऊपर कभी नहीं चल सकते या कोई भी लिक्विड होता है उसके ऊपर कभी नहीं चल सकते, उसके अंदर डूब जाते हैं। पर ऐसे लिक्विड है जब तक इसके ऊपर जोड़ लगाते रहेंगे तब तक ये अपने ऊपर चलने देगा, नहीं तो नहीं चलने देगा, देख सकते हो आप। मैं इसके ऊपर उंगली फेर रहा हूँ और जब जैसे ये हल्की कर दूंगा मैं उंगली मतलब फोर्स लगाना बंद कर दूंगा तब ये जो है अपने अंदर मेरी उंगली को ले लेगा, देख सकते हो आप। ये होता है ओब्लिक, और ये देख सकते हो आप मतलब ये एकदम ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं किसी टेबल के ऊपर या किसी हार्ड सॉलिड के ऊपर हाथ मतलब उंगली फेर रहा हूँ अपनी ऐसे, बल्कि थोड़ा मेरे को मैं जो है इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तब भी जाके ये मेरे को उंगली को जो है अंदर नहीं खींचने दे रहा। और अगर मैं इसको दबा के निकालूंगा आप देख सकते हो आप जैसे सॉलिड की जैसे कोई परत होती है वैसे निकालते हैं बिल्कुल वैसे टूटता है, उसके बाद सॉलिड नहीं मतलब लिक्विड बन जाता है, ये देख सकते हो।
अभी आपने इसका जो है स्लो मोशन देखा, और स्लो मोशन में आप थोड़ा बहुत समझ गए होगे कि मैं आपको जो है क्या कहना चाह रहा हूँ, और इतने वीडियो बन गई, इतने जो है ये थोड़ा मतलब गाढ़ा सा हो गया, तो अभी इसमें थोड़ा पानी और गिरना पड़ेगा, तो जल्दी से इसमें पानी डालते हैं। थोड़ा सा ही डालूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, बस एक दो बूंद, क्योंकि ज़्यादा पतला हो जाता है फिर सही से बनता नहीं है ये। तो अभी ये दोबारा से वैसे ही बनने लग गया, क्योंकि ये जो है सूख जाता है इस वजह से। तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल अजीब सा है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ये अपने जो है सॉलिड लिक्विड जो होता है वो चेंज करता है। देख सकते हो आप, सॉलिड कभी लिक्विड कभी सॉलिड, जब फोर्स लगाओ तब सॉलिड, और उसके बाद जब इसको छोड़ दो तब लिक्विड, जैसा कि देख सकते हो। जब तक मैं इस पर दबाता रहूँगा तो ठीक है, नहीं तो सॉलिड लिक्विड बन जाएगा ये। तो गाइस, ऑब्लिक जो भी है ये कैसा लगा, तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।